भाई ऐसा कभी अगर मेरे पीछे पुलिस वाले दौड़े तो मेरे को पकड़ पाएंगे? ब्रेक ब्रेक दबा देना सही से तो भाई स्लीपी होना है उसको पक्का। तुम्हारा भाई बहुत टाइम बाद रश राइडिंग कर रहा हूँ और काफी टाइम पहले मैंने सोचा भी था गाइस के सेनेटा को बेच दे, ठीक है। तो गाइस क्या करवा है, पहले रैप करवा या फिर एग्जॉस्ट चेंज करवा, क्योंकि अब मेरे दिमाग में भाई एग्जॉस्ट चेंज करवाने का आ रहा है, ठीक है। भाई भाई साहब फक ये क्या हो गया? ओ शिट गोप्रो गिर गया भाई, गोप्रो गिर गया, शिट यार। और ये बात घर में ना पता चले तो ये अच्छा, ठीक है, क्योंकि बोलते हैं यार घर वाले के विली विली मत करो। और काफी टाइम हो गया, काफी लोग के कमेंट आए कि लेजी भाई यार मोटो व्लॉग करो, विली दिखाओ यार सेनोटा पे, बहुत टाइम हो गया विली। अरे सेनोटा में बहुत प्रॉब्लम आ रही है यार, तो आपको वो सारी दिखानी है, कितने इश्यूज है और कितना खर्चा आया हमारी सेनोटा में, ठीक है। अभी अपने निकल रहा भाई सेनोटा को लेके, बहुत दिन हो गया उसको चालू भी नहीं करा, 4-5 दिन हो गए भाई, बता रहा हूँ उसकी तबीयत खराब हो गई, ठीक है। तो उसको अभी सही करना पड़ेगा, अपने को बहुत सारे इशू है। अपना बैग ये रहा, बैग पहनते और गोप्रो का बॉक्स वॉक्स है वो रख लेते, ठीक है, और निकलते हैं यहाँ से, ठीक है। फटाफट यार गोप्रो में काफी काला काला और भाई स्किन में कितने दाग दिख रहे हैं यार, इससे अच्छा तो मैं आईफोन में शूट करता वही अच्छा लगा। और एक और चीज बताना भूल गया तो मैं बोला बता दूं आप लोगों को, 8 हफ्ते पहले एक बंदा मुझसे मिलने आया था भाई, हमारी लेजी फैमिली का मेंबर था, काफी दूर से आया था, अराउंड 70-60 किलोमीटर दूर से आया था, ठीक है, मेरे लिए स्पेशल वो मुझे मिलने के लिए। तो भाई ने एक ब्लॉग छोटा सा डाला तो मुझे रिक्वेस्ट करी थी भाई ने कि लेजी भाई आप मेरे ब्लॉग का लिंक आपकी वीडियो के नीचे डाल देना, तो गाइस ने डिस्क्रिप्शन में भाई के वीडियो का लिंक डाला हुआ है, जाके एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तुम्हारे भाई से उसने मिलने के लिए इतनी मेहनत करी इसलिए बोला कि हाँ भाई यार बंदा मेहनत कर रहा है। तो चलो अब निकलते हैं, अपने सनोटा को निकालते हैं और भाई आज करेंगे वीली बूम बाम खतरनाक वाली। चलो तो गाइस चेक करो अपनी सनोटा, ठीक है, अभी कपड़ा उपड़ा मार के मस्त वाला भाई चमका दिए, ठीक है, इसको अभी यहाँ पे समझ नहीं आएगा। और ये रही हमारी 7 साल की एमटी जिसपे अभी कुछ दिन पहले मैं ये लीवर लगवा के आया, और वो रही अपनी रॉनिन गाइस, बहुत टाइम बाद में रॉनिन को दिखा रहा हूँ इस वाले ब्लॉग में, ठीक है, बोला इस वाले ब्लॉग में सब कुछ कवर कर देना, ठीक है, अपना भाई आज से होगा मस्त वाली ब्लॉगिंग, ठीक है। बोला कि अपने रॉनिन को भी दिखा देते, बहुत टाइम हो गया, ठीक है, उसको दिखाया हुआ और सनोटा को तो आप देखते रहे तो गाइस ब्लॉग में। तो गाइस एक और अनाउंसमेंट करनी थी, एक और चीज बतानी थी, वो क्या है पता है कि इस वाली बाइक को भाई बेच देनी है, ठीक है, अब इसको बेचनी है क्योंकि बड़े भैया तो बोल ही रहे कि रॉनिन को बेचने के लिए और कोई दूसरी बाइक प्लान कर रहे, ठीक है गाइस। तो अभी ये बाइक जो है ना भाई तुम्हारे भाई की बहुत पसंदीदा बाइक और बहुत मजा आती है भाई इसको चलाने की, अलग ही मजा है। तो चलो अभी निकलते हैं सनोटा को, इससे मैंने पूरा साफ वाफ कर लिया, उसके बाद ही ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो हेलमेट में अपना लगाते गोप्रो और निकलते हैं, चलो अभी घर से बाहर निकल गए, ठीक है। और तुम्हारा भाई गया था अभी फ्यूल व्यूल भरवाने, तो फ्यूल व्यूल भरवा लिया अभी सनोटा में भाई, और अभी यहाँ से निकल, ओ भाई ओ भाई भाई चेक कर रहे हो ट्रैफिक कितनी खतरनाक वाली लगी, ओ भाई क्या टास्क किट करा है सनोटा का, भाई साहब बहुत बुरी तरीके से टास्क किट करा है यार। और भाई मैंने ये टायर लगवा के बहुत बड़ी गलती कर दी गाइस, मैं बताऊंगा ये वाला टायर आप कोई भी मत लगवाना, ठीक है, अगर आप अपनी बाइक में लगवा रहे हो तो भाई मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि ये टायर आप लगवाओ, क्योंकि मैंने तो लगवा के गलती कर ही ली है बहुत बड़ी वाली, वो भी आप लोग को आगे चल के दिखाता हूं भाई। और भाई यार धीरे धीरे गर्मी आ रही है ना, तो भाई बाइक की हीटिंग का भी बहुत इशू होता है यार, मतलब हीट होती है और गर्मी लगती है यार, तो ना पसीना बहुत होता है हेलमेट के अंदर, पता है बहुत ज्यादा पसीना हेलमेट के अंदर होता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यार गर्मी की। भाई ठंडी में मोटो व्लॉगर्स को बहुत फायदा रहता है, बट यार गर्मी में वाट लग जाती है, सीरियसली बता रहा हूँ भाई। भाई ऐसा कभी अगर मेरे पीछे पुलिस वाले दौड़े तो मेरे को पकड़ पाएंगे? मुझे नहीं लग रहा भाई, जहाँ तक अगर ऐसे सीधे रास्ते में पकड़ना हो तो कभी नहीं पकड़ पाएंगे पुलिस वाले। हाँ अगर 3-4 गाड़ी आगे फील्डिंग विल्डिंग करी वो 2 नंबर की बात है, अगर एक गाड़ी मेरे पीछे लगी हो तो नहीं पकड़ पाएंगे। तुम्हारा भाई बहुत टाइम बाद रश राइडिंग कर रहा हो, फक यार भाई क्या आंटी खड़ी थी भाई, क्या खतरनाक भाई सरप्राइज मिला बहुत टाइम बाद, बता मैं रश चला रहा हूँ यार, मतलब मन कर रहा है, ठीक है। और ये टायर स्किड कर रहा है तो डर भी बहुत लग रही है, ओ फुल पावर, साउंड चेक करो, ओ भाई क्या हुआ ये भाई, देखो ऑटोमेटिक यार, मैंने जिसे बोला भाई साउंड चेक करो वैसे ही भाई बाइक का गियर ड्रॉप हो गया यार ऑटोमेटिक, ये पता नहीं क्या हो रहा है यार अपनी सनोटा के साथ। रिएक्शन चेक कर रहे हो लौंडे, ऐ लौंडे कैसे देख रहे थे भाई, भाई यार पता नहीं कब आएगी यार अपनी सुपर बाइक यार, बहुत तरसता हूँ यार भाई। देखो यार चलाने मिल जाती है, चलो किसी ना किसी की कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ने दे दिया तो चलो चलाने मिल गए, 2 नंबर की बात है। बट यार अपनी बाइक तो अपनी होती है ना गाइस, आप लोग समझ रहे हो, मेरी लेजी फैमिली जरूर समझ रही होगी यार, पता नहीं कब आएगी अपनी सुपर बाइक यार, कब हम इस खाली वाले रास्ते में ऐसे करें
भाई जो वीली मारूंगा ना यार, एक बार खाली सुपर बाइक आ जाए भाई, जो वीली जाएगी उसके बाद आप लोग को तो वीली इसके ही कंटेंट मिलेंगे कि लीजी भाई तो वीली मैन बन गया यार। भी तुम्हारे भाई को वीली वीली का बहुत मजा आता है, मतलब वीली का शौक बहुत है। तो अभी फाइनली पहुंच गया अपनी वीली वाली लोकेशन पे यार, बट कोई मेरे साथ होता तो और मजा आती यार, ताकि मेरी वीली वाली जो क्लिप्स है वो सामने से उतार रखता। क्या बोलते हो गाइस, फर्स्ट वीली तो मारनी पड़ेगी ना यहीं पे। भाई खतरनाक थी, भाई खतरनाक थी। तो गाइस अपनी आज विली वाली लोकेशन में पहुंच गया ठीक है, और तुम्हारा भाई आप लोग के लिए ठीक है 2 बजे दोपहर के 2 बजे कंटेंट शूट कर रहा है यार, कि मैं बोला यार आज व्लॉग डालना है कैसे कैसे, और ये वाला व्लॉग मैं अभी बना रहा हूँ तो ये व्लॉग अभी ही जाएगा ठीक है, अभी करेंगे विली, बहुत मजा आने वाली। बट यार उससे पहले चेक करो, जैसे तुम्हें बताया गया ये वाला टायर कोई भी मत डलवाना अपनी बाइक में। ये टायर का नाम तो पता नहीं मुझे, बट इसका कंपनी का नाम है भाई मिशलिन ठीक है, मिशलिन की टायर है, 150 सेक्शन का टायर है, पर रेडियल नहीं है यार, मैंने ये गलती करी। कभी भी आप लोग अगर टायर वायर डलवाओ गाइस तो हमेशा चेक करना कि वो रेडियल टायर है कि नहीं, तो दुकान वाले से पूछ लेना कि अंकल ये रेडियल रेडियल है ना, क्योंकि भाई मैंने भी यही पूछा था, बोला रेडियल इतना कुछ काम नहीं आता, आज पता चल रहा है भाई बहुत जरूरी है रेडियल ठीक है। देखो अभी मुझे आप लोग से बहुत सब सवाल पूछने हो, और अब कंटेंट्स आने वाले गाइस, कंटेंट्स कैसे आएंगे बहुत खतरनाक अपने कंटेंट्स आएंगे, अब भाई अपनी सनोटा के ऊपर अपनी बाइक के ऊपर कंटेंट आने वाले ठीक है। मैंने सबसे पहले सोचा है गाइस कि हमें क्या करवाना है भाई, तो हमें करवाना है सबसे पहले अपनी सनोटा को रैप। गाइस क्या करवाए, पहले रैप करवा या फिर एग्जॉस्ट चेंज करवा, क्योंकि अब मेरे दिमाग में भाई एग्जॉस्ट चेंज करवाने का आ रहा है ठीक है। तो गाइस बताओ यार एग्जॉस्ट बदलवाए कि नहीं अपनी सनोटा का। रैप तो मैंने सोच ही लिया कि भाई रैप करवाना ही करवाना है, अभी नहीं थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि देखो भाई रैप वैप करवाने में भी कम से कम 7-8 हज़ार रुपए लग जाते हैं, जो कि फिलहाल तुम्हारे भाई के पास नहीं है। सीधी सी बात बोलो भाई, मेरे पास 10-10 हज़ार रुपए नहीं है, मैं भी रैप करवा लूं तो थोड़ा टाइम बात करवाएंगे। बट हां गाइस फटाफट से जाओ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भर दो, चेक करो अपनी सनोटा को, काफी टाइम से मैंने सनोटा को दिखाया नहीं है गाइस। लुक एट दिस बीस्ट गाइस, क्या लगती है। और भाई मैंने इसका विंगलेट निकल गया था ठीक है, घर के पास वाले गैरेज से भाई मैंने इसको बोला कि भाई विंगलेट टाइट कर दे, वो बंदे ने भाई विंगलेट लिटरली स्क्रू यहाँ से डाला और यहाँ से निकाल दिया भाई, छेद कर दिया यहाँ पे, देख रहे हो छेद हो गया पूरा भाई, खतरनाक वाला। एंड जल्दी इसका टायर भी चेंज करवाना पड़ेगा, देख रहे हो भाई पूरे निशान गायब हो गए, आगे ये ब्रेक ब्रेक दबा देना सही से तो भाई स्लीपी होना है उसको पक्का। तो धीरे धीरे आप अपनी सनोटा पे व्लॉग्स आने वाले, और एक और व्लॉग पेंडिंग पड़ा हुआ है, मैंने सोचा कि वो वाला व्लॉग बनाए कि ना बनाए, बहुत ही अच्छा व्लॉग होने वाला है, और मैंने चलो मैं बताई देता हूँ आप लोग को ठीक है। तो वो व्लॉग क्या आएगा, इस वो व्लॉग है अपनी मम्मी के साथ व्लॉग बनाना है ठीक है, मुझे मेरी मम्मी के साथ अपनी सनोरिटा पे गाइस, अपनी सनोरिटा अपनी मम्मी को साथ व्लॉग बनाने का सोचा है। तो गाइस बताओ फटाफट से कमेंट कर दो, आज आप लोग को कमेंट भर ही देना है भाई, जो आप लोग के अंदर सवाल हो जो भी हो भाई कमेंट भर दो, क्योंकि इस वाले व्लॉग के बाद तुम्हारा भाई बैठेगा मस्त कंप्यूटर पे और बैठ के सारे कमेंट पढ़ने वाला है और बहुत मजा आने वाली ठीक है। तो चलो अब गाइस करते हैं विली, विली विली होने वाली है गाइस, खतरनाक वाली है अपनी होने वाली है यहां की सेकंड विली, 1 2 3। भाई भाई साहब फक, ये क्या हो गया, ओ शिट गोप्रो गिर गया भाई, गोप्रो गिर गया, शिट यार, ओ शिट यार, ये क्या हो गया भाई यार, शिट, ओ यार भाई गोप्रो टूट गया, शिट यार, अबे यार ये क्या कर दिया मैंने, शिट भाई वीली के चक्कर में गोप्रो टूट गया यार, शिट। अच्छा गोप्रो बच गया है गाइस, ठीक है यार। भाई साहब ये क्लिप टूट गई, मतलब क्लिप का जो एक बोल्ट आता है वो टूट गया यार, तो अब इसको यार शीट जुगाड़ करना पड़ेगा भाई साहब, ये सीन हो गया यार। तो यहाँ से आप लोग को दिखाता हूँ गाइस, देखो ये जो क्लिप है ना, ये क्लिप देखो यहाँ से अंदर दरार पड़ गई है भाई, तो ये देखो अब ये प्ले हो गया पूरा, मतलब घूम रहा है गोप्रो, देखो ये, देखो ये ढीला हो गया यार, एक और खर्चा भाई, एक और खर्चा हो गया शिट यार। तो गाइस अभी पूरा अपना गोप्रो हिल विल गया था ठीक है, और अभी मैंने थोड़ा इसका सेटिंग वेटिंग करा तो अभी करा है ठीक है, अब वापस ट्राई करते गाइस विली विली, क्या करेंगे यार प्रॉब्लम आती ही रहती है प्रॉब्लम। तो चलो सामने वाले रोड पे जाते हैं, वहां पे थोड़ा करते भाई विली विली, यहाँ पे मारते गाइस बर्निंग करते बर्निंग। गाइस अभी विली करते हुए बहुत डर लग रहा है, बट मैंने सोचा कि आप लोग के लिए वापस विली करेंगे, कोई टेंशन नहीं है भाई, कोई टेंशन नहीं, विली पे विली जाएगी गाइस। मेरा गोप्रो ही चालू करना भूल गया यार, मैं कब से बोले जा रहा था ठीक है, बट कोई नहीं अपने आईफोन में रिकॉर्ड हुआ ही है वो सारी चीज ठीक है। तो 2-4 विली अभी करी थी, अभी और विलीज करते गाइस। मैं ज्यादा हाइट क्यों नहीं ले रहा हूँ बताया भाई, क्योंकि इसमें है फ्यूल कम, फ्यूल कम होने की वजह से क्या हो रहा है भाई, गाड़ी है ना एकदम से झटका मार के बैठ जा रही है, एक स्टॉपी भी हो जाए, क्या बोलते हो स्टॉपी, ओह शिट भाई टायर स्किड कर दिया, देख रहा हूँ मतलब, देखो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ भाई,
स्टॉपी जैसे करने आ रहा हूँ, ऐसे टायर स्किड कर दे रहा है। ये देखो, ओ ओ हो भाई, भाई लगी तो थी स्टॉपी। ओ मजा आ गया भाई, मजा आ गया। विली करते करते पसीना हो गया, पूरे बाल बाल सारे गीले हो गए यार। और अपनी सेनेटा देखो यार, कितनी खूबसूरत लग रही है। और भाई जैसे कि पता है, इसमें इतना सारा खर्चा आ गया यार, मैं परेशान हो गया। मतलब अभी देखने जाए ना तो भाई टायर चेंज करना है, ये करना है, वो करना है। अभी देख रहे थे मैं स्टॉप ही कर रहा था तो भाई बार बार स्लिप कर दे रही थी गाड़ी। और काफी टाइम पहले मैंने सोचा भी था गाइस के सेनेटा को बेच दे, ठीक है। तो बट काफी सारे लेजी फैमिली के मेंबर्स का कमेंट में बोला कि लेजी भाई मत बेचो सेनेटा को यार, सेनेटा आपकी पहली बाइक है। तो इसीलिए गाइस मैंने इसको नहीं बेचा, ठीक है। और नहीं तो कब से हमारी दूसरी बाइक आ जाती और मैं कब से दूसरी बाइक रखता। और घर वालों ने भी बोला कि इसको मत बेचो, ठीक है। तो चलो गाइस, आज की यहाँ पे काफी प्रैक्टिस हो गई और काफी सारी विलीज कर दी, ठीक है। और नेक्स्ट वाले ब्लॉग के लिए रेडी रहना, मैंने सोचा है काफी तगड़ा ब्लॉग बनाने के लिए, ठीक है गाइस। अभी यहाँ से निकलते हैं यार, बहुत थक गया, बहुत धूप लगी, ठीक है। मैं आया था यहाँ पे 2 बजे भाई और बज गए 3, ठीक है। 1 घंटा पूरा हो गया और धूप में तुम्हारा भाई पूरा ब्लॉग शूट करा, और शायद ये वाला ब्लॉग आज ही आप लोग को दिख जाएगा। भाई प्यार एंड सपोर्ट आपका दिखा देना, और जल्दी जल्दी ब्लॉग्स में ट्राई कर रहा हूँ डालने के लिए, ठीक है। तो चलो निकलते हैं यार घर, और बाकी सारी बातें नेक्स्ट वाले ब्लॉग में करेंगे। तब तक के लिए बी सेफ, राइड सेफ, बाय।